शहर शदीद सर्दी की लपेट में, यख बस्ता हवाएं, धुंध भी अरूज पर। दूसरे रोज भी सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात ने बारान रहमत की नवीद सुना दी। रवा माह बारिश के 3 से 4 पर लाएंगे महकमा मौसमियात। गहरी धुंध में रास्ते धुंधला गए। ठोकर न्यास में एक शेरा कोट, यतीम खाना, बाबू साबू, रिंग रोड और मुलेका इलाकों में शदीद धुंध। हफ्ते निगाह इंतहाई कम। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रावी टूल प्लाजा पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मोटरवे M2 12 घंटे बंद रखने के बाद खोल दी गई। तर्जुमान मोटरवे की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हदायत। फिजाई रास्ते भी धुंध में गुम। फ्लाइट ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद। हद निगाह 100 से 150 मीटर रिकॉर्ड। लाहौर आने वाली परवाजों का रुख दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया। 13 परवाजें उड़ान ही ना भर सकीं। 13 परवाजों की रवानगी में ताखीर। मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंस गए। धुंध के बाद ट्रेनों की रफ्तार भी सुस्त पड़ गई। लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें ताखीर का शिकार। पराक्रम एक्सप्रेस, चाउसेन एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, बिजनेस एक्सप्रेस, तेजगाम, कराची और अलामा इकबाल एक्सप्रेस कई कई घंटे ताखीर का शिकार। लेस्कों के तरसीली निजाम को भी ठंड लग गई। शहर में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। 550 फीडर्स बंद। इस्लामपुरा, गुलशन रावी, सब्जाजार, इकबाल टाउन, मुगलपुरा, धर्मपुरा, शाहदरा और शाहबाग समेत बेशतर इलाके 5 घंटे से बिजली से महरूम। लेस्को को 1000 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। 2000 मेगावाट बिजली की तलब जबकि 1000 मेगावाट की सप्लाई जारी। नेहरू, भिक्की और बल्लों की पावर प्लांट की बंदिश के बाइस बिजली की पैदावार कम हुई। लेस्को हुकाम। सर्दी में इजाफा, गैस प्रेशर में कमी। एलपीजी माफिया की लूट मार। 120 रुपए किलो फरोख्त होने वाली एलपीजी 185 रुपए किलो पर फरोख्त। शहरियों के इंतजामिया पर शिकायत के अंबार। मुतबादल ईंधन लकड़ी और कोयले की मांग भी बढ़ गई। लकड़ी 800 रुपए फीमन और कोयला 70 रुपए फी किलो फरोख्त। ठंड का तोड़ अंडे भी महंगे। 2 रोज में अंडे 4 रुपए फी दर्जन महंगे। दुकानों पर अंडे 112 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगे। खोखर बरादरान की एंटी करप्शन में तलबी। खोखर बरादरान में से सेफ सैफ खोखर एंटी करप्शन दफ्तर में पेश हुए। जमीनों का रिकॉर्ड भी जमा करवा दिया। अफजल खोखर और शफी खोखर पेश ना हुए। डीजी एंटी करप्शन हुसैन असर का दफ्तर का पहला दौरा। कोई किसी की हुकूमत नहीं गिरा रहा। अगले 5 सालों में पंजाब की पूरी आबादी को साफ पानी मिलेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का दावा। बोले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तो जेल में भी साफ पानी मिल रहा है। रवां साल तमाम यूनिवर्सिटी सोलर सिस्टम पर करने का ऐलान। किसी यूनिवर्सिटी में सिफारिशी वाइस चांसलर नहीं लगेगा। चौधरी सरवर का तकरीब से खिताब। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में मकबूल अहमद ब्लॉक का संगे बुनियाद रख दिया। पाबंदी के बावजूद बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर खुले मसालों की फरोख्त जारी। कैंट और जोहर टाउन के डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर धड़ल्ले से खुले मसालों की फरोख्त। पाबंदी से रोजाना की बुनियाद पर मसाला जात खरीदने वाले अफराद की मुश्किलात में इजाफा। पैकिंग की बजाय मसालों के मेयार को बेहतर किया जाए। शहरियों की गुफ्तगु। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में इंतजामी बहरान। 50% सीटें खाली। 32,000 मेंबर रखने वाला शहर का वाहिद चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स इंतजामी बहरान का शिकार। अफरादी कुव्वत न होने से दफ्तरी उमूर और दीगर मामलात मुतासर। 5 साल से कॉम्प्लेक्स का बोर्ड मुकम्मल ना होने से बजट जाया। भर्तियों के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास होना लाजमी। मारूफ आलमुद्दीन मौलाना तारिक जमील निजी अस्पताल में जेर इलाज, तबीयत बेहतर करार। मौलाना तारिक जमील को गुज़श्ता रोज एंजियोप्लास्टी के दौरान स्टंट डाला गया था। आज अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान है। भारतीय जासूस सरबजीत सिंह के कत्ल केस का तहरीरी फैसला जारी। आमिर सरफराज और मुदस्सर से कोई आला कत्ल बरामद नहीं हुआ।
भारतीय जासूस पर हमला करते हुए रंगे हाथों किसी ने नहीं देखा, तहरीरी फैसला। दोनों मुलजमान का सरबजीत सिंह के कत्ल से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ। सेशन कोर्ट ने दोनों मुलजमान को शक का फायदा देते हुए बरी करने का हुक्म दिया था। चाइना स्कीम गुजरपुरा में जिला इंतजामिया का ऑपरेशन, 4 करोड़ रुपए मालियत की 35 मरला राशि वागुजार करवा ली। पुख्ता तामीरात मिसमार, 1 कनाल, 10 मरले और 5 मरले के प्लॉट से कब्जा खत्म। पेशा के खिलाफ केस, समाअत में फिर ताखीर। मनशियात केस की समाअत करने वाला जज तब्दील, नए तैनात होने वाले जज कल से केस की समाअत करेंगे। मुकदमे में अब तक 2 जजेस तब्दील हो चुके। खुशबू को कैद करना कोई सफेद लम्हों में रंग भरना कोई। क्लास में ऑल पाकिस्तान मौसीकी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। क्लासिकी मौसीकी में उस्ताद हामिद अली खान ने खूब रंग जमाया, सुरताल से महफिल का रंग दोबाला।